क्या के कमलेश्वरी कुमार मुर्दाबाद जिंदाबाद 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 जावे जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अररिया लाइव न्यूज। आइए चलते हैं आज की एक अहम खबर की ओर। बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन थम नहीं रहा। 3311 बोची फीडर विद्युत कनीय अभियंता की बर्खास्तगी को लेकर हो रहा है प्रदर्शन। जेई पर फैसल जावेद यासीन ने लगाया गंभीर आरोप। बोची फीडर के कनीय अभियंता अमेश कुमार ने जिला परिषद पति और गैर सरकारी संगठन अररिया का मुद्दा के संचालक फैसल जावेद यासीन पर आरोप लगाते हुए बैरगाछी ओपी थाना में आवेदन देकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जबकि फैसल जावेद यासीन का कहना है कि अधिकारियों ने लोगों को गुलाम समझ रखा है, नेताओं को कमीशन देकर अधिकारी खुद को राजा मान चुके हैं। ये लोग गरीबों को सताते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करते हैं तो उस पर झूठा आरोप लगाकर जेल भेजने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, जगह जगह पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। और महीना हर महीना जो मीटर है यहाँ के चेक करता है, और वो मिली भगत जो है जेई साहब का जो मिली भगत है उनसे जो बोची जेई है लगभग 5,00,000 रुपया हर महीना ये झमटा पंचायत से दोहन हो रहा है। गरीबों का शोषण हो रहा है, लोग खाने का मोहताज है, और जिसके घर में 200 रुपये का मीटर उठना चाहिए उसके घर में 25,000 रुपये का मीटर उठ रहा है। और यहाँ के जनता भूली भाली जनता है और उसको शोषण कर रहा है, जो बुरी तरीके से शोषण कर रहा है। फैसल यासीन साहब जो इस विषय में बोले हैं उसको बुरी तरीके से उस पर झूठा मुकदमा लगाया है, और यहाँ के प्रतिनिधि जो पूर्व मुखिया जी थे उन पर भी 2.5-3 लाख रुपया लगभग 1.5 लाख रुपया के आसपास उन पर भी समझिए कि वो भी बोलने का कोशिश किए तो उन पर भी झूठा मुकदमा कर दिया है। और ये हम लोग गले वाले मां से नहीं है, हम तो चाहते हैं कि जेई का चेहरा देखें और इनाम रखे हैं 5,000 रुपया जो जेई को चेहरा हमको बता दे। और यहाँ का जनता उससे पूछना चाहता है, यहाँ की जनता जो पूछना चाहती है कि आप जेई साहब इतना मीटर का बिल क्यों लगवाते हैं। और आसिफ से मिली भगत है जो लोग की 5,00,000 रुपया हर महीना झमटा पंचायत से बिल जा रहा है। बोची फीडर के जेई को बर्खास्त करो, बोची फीडर के जेई को बर्खास्त करो। हम ग्रामीण कमजोर नहीं, हम ग्रामीण कमजोर नहीं। किसान एकता जिंदाबाद। झूठा मुकदमा वापस लेना होगा। फैसल जावेद यासीन साहब जिंदाबाद। फैसल तुम संघर्ष करो, फैसल तुम संघर्ष करो। फैसल जावेद यासीन जिंदाबाद। जो है ना बिल जो है बेतरीका आ रहा है, ये हमेशा ऐसे ही हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं, उससे अधिक जो है ऊपर हो रहा है। और इसके लिए लोगों ने बहुत परेशान है ताकि ये मामला कैसे हल हो जाए, जिसके वजह से अभी एक सुनहरा मौका मिला है कि ये फैसल जावेद जो है ये बेचारे पर ये बेचारा उनको जो है बताया उस पर जो है वो गलत तरीके से जो है केस मुकदमा कर दिया। गरीब आदमी है, इतना बिल कैसे दे पाएंगे। फैसल भाई तो सही किया है, फैसल भाई ये किया तो बढ़िया किया है। तारे तारे चलिए नारा लगा नारा क्या के कमलेश्वरी कुमार मुर्दाबाद से जेई को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, से जेई को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो।
बर्खास्त करो। जावेद सामाजिक कार्यकर्ता पर झूठे मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। फैसल जावेद पर हुए झूठे मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। दो को लेकर के हम लोग जो है उनका विरोध कर रहे हैं। अररिया पुलिस से मामला की जांच के लिए हम मांग करते हैं कि अभिलंब उसका जांच करके जो है उसका जो है बौछी के कमलेश कुमार जय मुर्दाबाद। ये पुतला इसलिए दहन हो रहा है कि हमारे समाज में मतलब कि जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं कई स्तर से वो लूट खसोट करते हैं और यहाँ की जनता को गोली वाली है, जिसको लुभा के फुसला के उससे पैसा, उसके घर पे अगर तार झुका हो तो झुकाने के बाद उसको फिर हटाने का उससे चार्ज लिया जाता है। इसी के विषय में जनाब फैसल जावेद यासीन साहब हैदर यासीन फाउंडेशन के बैनर तले टीम अररिया के मुद्दा के संचालक जनाब फैसल जावेद यासीन साहब ने एक समाजसेवी के स्तर से उसने उसका मुआयना किया, उसने देखा कि ऐसी ऐसी समस्या है, उसी समस्या को लेकर उसने आवाज़ उठाया, जिसके वजह से वो आवाज़ उठाने के बदौलत उसने उस पर झूठा मुकदमा कर दिया, क्योंकि यह मुकदमा बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए अभी के डेट में यहाँ पर जो हो रहा हमारे जिला में, जो हक की आवाज़ उठाता हो, जो हक हुकूक की बात करता हो, जो समाज के स्तर में समाज को जागरूकता की ओर करता हो, उस पर मुकदमा लाद दिया जाता है। इसलिए झूठा मुकदमा नहीं सहेंगे, झूठा मुकदमा नहीं सहेंगे। कोची फीडर के जय को बर्खास्त करो, कोची फीडर के जय को बर्खास्त करो। हम लोग का बिल बहुत ज्यादा आता है और तार भी उसके लिए कटा हुआ है और जिसका समस्या हम लोग को जोड़वाने जाते हैं तो हम पहले मिस्त्री मांगता है 500-2000 रुपए कहाँ से लाएंगे। इसी 2000 जो हमारा आवाज उठाने वाला आगे फैसल समाज संचालन जो मित्र संचालन जो समाज सेवी फैसल भाई हमारे हैं वो आवाज उठाए उसके ऊपर बार बार केस किया जाए, केस किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है बार बार, यह मनमानी नहीं चलेगी। उनको झूठा झूठा बिल भेजा जाता है, जिसका बिल जो है 200-400-500 आना चाहिए, उसका जो 4-5-6 हज़ार रुपया आता है। कभी कभी किसी का ऐसा है कि 25-30 हज़ार रुपया भी बिल है। और एक एक मामला अभी इसमें आया है प्रकाश में कि मतलब आज से 3 साल पहले हमारे स्कूल में शिविर लगा था जिसमें कि मीटर जमा हुआ और वो मीटर 3 साल तक मीटर का बिल नहीं आया। ये जय के आने के बाद वो गलत मीटर का बिल फिर भेजा है। 3 साल से जय था यहाँ दूसरा, वो कभी वो बिल नहीं भेजा जबकि मीटर जमा हो चुका है, हो चुका है। ये जय जब से आया है ये मतलब हर घर पे मतलब छापा मारता है। गरीबों पे अत्याचार,